पता नहीं कहते हैं एस्पिरेंट की दुनिया में कि चक्र है कि बस देते रहो जब तक अच्छा नहीं होता, मन नहीं मानता भाई। एक्चुअली मैं तैयारी उसी की कर रहा था, लेकिन चूँकि उसका उस समय पे वैकेंसी नहीं थे तो इसका फॉर्म निकल था तो बढ़ गया था, उसके बाद तैयारी करते थे हो गया। तो इसके पीछे भी चूँकि वजह है कि पहले बीपीएससी 4-5 साल लेता था और कटऑफ को थोड़ा मतलब कंट्रोल में रखने के लिए तो सब क्वेश्चन का पैटर्न तो बढ़ाना ही पड़े, तो थोड़ा सा इफेक्टिव आपका आंसर दिखता है, उससे मार्क्स पे प्रभाव तो पड़ता है। 30-40% वन लाइनर रहेंगे अब क्वेश्चन के हिसाब से, उसमें फ्लो चार्ट डायग्राम, तो हिम्मत नहीं हारना, करते रहना है, हो ही जाएगा। एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। भी हमारे साथ उपेंद्र सर हैं और जो कि 64th बीपीएससी में डिस्ट्रिक्ट प्रोविजन ऑफिसर के पोस्ट पे प्रोविजन भाई सर है ना प्रोबेशन, हाँ प्रोबेशन के ऑफिसर के पोस्ट पर सर का सिलेक्शन हुआ था। और सर से अभी जानेंगे कि सर का अभी इंटरव्यू कैसा है, 67th बीपीएससी इंटरव्यू देने सर आए थे, तो ओवरऑल इनका स्ट्रेटेजी क्या है आप सबके लिए प्रीलिम्स और मेंस के रिगार्डिंग, और इनके इनका बोर्ड कैसा था और किस टाइप का इनसे क्वेश्चन पूछा गया था, उस पर भी बात करेंगे। तो इस चैनल ग्रो करने के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। सर सबसे पहले सर कैसा सर आपको लगा सर इंटरव्यू देने के बाद? बढ़िया था, उम्मीद है कि हो जाए शायद। सर पहले से ही आपका हुआ है? बेहतर का उम्मीद तो सबको रहता है ना, तो बस बेहतर की उम्मीद है कि और थोड़ा इससे बढ़िया सर्विस मिल जाए जिसमें थोड़ा। ओके सर, कौन सा बोर्ड था सर? मैंने प्रिफ्रेंस भाषा और पुलिस और रजिस्ट्रार के लिए भरा। ओके सर, बोर्ड कौन सा था और सर क्या क्या क्वेश्चन सर बोर्ड? मेरा बोर्ड दीप्ति मैडम का था और शुरुआत में तो उन्होंने ऑप्शनल से रिलेटेड सवाल पूछा, बाद में करेंट वगैरह से भी पूछा और हल्का फुल्का हॉबीज़ वगैरह से, बस यही सब चला। ओके सर, 64th में सर आप सेलेक्ट हो गए हैं सर, तो उसके बाद में सर क्या आप फिर से आपने मूड बनाया कि अब बीएस की तरफ जाना चाहिए? हाँ, बीएस की तरफ, अगर बीएस में सिलेक्शन हो जाता है तो बीपीएससी से मुक्ति मिल जाएगी, फिर दोबारा नहीं देना पड़ेगा। अच्छा। नहीं तो ये तो एक पता नहीं कहते हैं एस्पिरेंट की दुनिया में कि चक्र है कि बस देते रहो जब तक अच्छा नहीं होता, मन नहीं मानता भाई। सर क्वेश्चन वगैरह सर क्या पूछा उन लोगों ने? शुरुआत में तो ऑप्शनल से सवाल थे और आयनोस्फीयर से रिलेटेड और ऑस्ट्रेलिस और बोरियोलिस से रिलेटेड सवाल थे, फिर से स्कैंडिनेवियन कंट्री का क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सवाल थे और मेडिटेरेनियन सी से रिलेटेड सवाल थे कि उससे मतलब क्या फ़ायदा होता है यूरोपियन कंट्री को, मेनली वो वाइन वाइन से रिलेटेड थे, और इंडियन ओशन का जियोपॉलिटिक्स से सवाल था, चाइना का उसमें बढ़ता हुआ हस्तक्षेप वगैरह, और करंट से रिलेटेड देखा जाए तो इसराइल पैलेस्टीन वॉर थे, उसमें जो लीबिया का कल परसों हस्तक्षेप हुआ है उससे रिलेटेड था, और हमास से रिलेटेड पूछा गया कि क्या है, कब संगठन, कैसे ऑर्गेनाइजेशन इसका इतना स्ट्रांग हुआ, ये सब। सर एकेडमी क्या रहा आप सर, कहाँ से पढ़ाई लिखाई? मैंने 2020 में पटना लॉ कॉलेज से लॉ ग्रेजुएट हूँ मैं, मतलब वहाँ से, और उसके बाद 2021 में मैंने ये प्रोविजन सर्विस मैंने ज्वाइन की थी। सर लॉ वगैरह करने के बाद सर प्रैक्टिस वगैरह नहीं किया आपने, मतलब लॉयर एडवोकेट बनने का ख्याल? नहीं, एक्चुअली मैं तैयारी उसी की कर रहा था, लेकिन चूँकि उसका उस समय पे वैकेंसी नहीं थे तो इसका फॉर्म निकल था तो बढ़ गया था, उसके बाद तैयारी करते थे हो गया, इंटरेस्ट अच्छा आने लगा ज्योग्राफी में, बस आ गया यहाँ पे। ओके सर, जैसे कि प्रीलिम्स से सर क्या स्ट्रेटेजी आप देना चाहोगे? 69th के सर, जिसमें पेपर आपने देखा होगा शायद सर, 12 एक्सपेक्टेड था सर, ईपीएससी की तरफ एक लाइन हो रहा है सर, अब क्या स्ट्रेटेजी होगा? शुरुआत में तो इसका जो था वो वन लाइनर, मतलब कि मान के चलिए कि लगभग 60-70% वन लाइनर ही होते थे, लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड्स ऐसा दिख रहा है 68 से खासकर, और 69th में तो बहुत सारा दिख रहा था कि यूपीएससी की तरफ बढ़ रहा है, तो इसके पीछे भी चूँकि वजह है कि पहले बीपीएससी 4-5 साल पे लेता था, अब तो हर एक साल ले रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन जब बढ़ रहा है तो कटऑफ भी बढ़ रहा है, और कटऑफ को थोड़ा मतलब कंट्रोल में रखने के लिए तो सब क्वेश्चन का पैटर्न तो बढ़ाना ही पड़ेगा, तो वही बढ़ाया जा रहा है, यूपीएससी की तरफ भाग रहा है, तो तैयारी में तो बदलाव करना ही पड़ेगा, यूपीएससी की तरह से सोचना पड़ेगा। तो सर आप बुक लिस्ट वगैरह क्या सजेस्ट करें, किस टाइप से स्ट्रेटेजी बनाएं?
बुक लिस्ट में जो स्टैंडर्ड्स बुक हैं एनसीईआरटी के साथ मिला के स्टैंडर्ड्स बुक, वो लगभग सभी स्टूडेंट को पता रहता है, वो सभी को, और उसके साथ करंट अफेयर्स को मिला के पढ़ते रहना पड़ेगा। और मेंस की स्ट्रेटजी भी यही रहती है कि आप ट्रेडिशनल क्वेश्चन वगैरह हैं उसके साथ करंट को आप जोड़ते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, अपने क्वेश्चन में एड करते हैं, तो थोड़ा सा इफेक्टिव आपका आंसर दिखता है, उससे मार्क्स पे प्रभाव तो पड़ता है। तो थोड़ा सा तैयारी को ऐसे ही बदलाव करना पड़ेगा। सर जो 70 देना चाहते हैं सर, 17वीं बीपीएससी देना चाहेंगे सर, अभी से वो कहाँ पे फोकस करें सर, किस टाइप के? सबसे पहले तो प्रीलिम्स के लिए तैयारी के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि पहले तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को का मतलब असेसमेंट करें कि क्या पूछता है, उसका पैटर्न क्या है, और पहले तो वन लाइनर जो पहले पूछे वो सब बना ले, चूँकि आज भी अब वैसा है कि 30-40% वन लाइनर रहेंगे, अब अभी अचानक वैसे चेंज तो नहीं हो जाएगा, तो 30-40% पहले वो वन लाइनर को कंप्लीट कर दे, फिर हल्का फुल्का उसके बाद यूपीएससी की तरफ बढ़े और धीरे धीरे अपने तैयारी को, मतलब शुरुआत का जो तैयारी स्पिरेंट जो स्टार्ट कर रहे हैं तो कहते हैं ना कि घर का नींव बनाने में मेहनत लगता है, उसके बाद तो ऊपर जोड़ते चले जाना होता है, उसको एड करते रहना होता है। तो बस स्टार्टिंग का आप बेसिक्स एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लीजिए, उसके उस पर एडिटिव प्रॉपर्टी टाइप से करते करते उस पर आगे बढ़ते रहिए। सर कुछ स्टैंडर्ड बुक लिस्ट वगैरह जो आप सजेस्ट करना चाहें, कोचिंग नोट्स वगैरह? हम अपनी बात बताएं तो हम ज्योग्राफिक, जैसे मेरा ऑप्शनल रहा तो ज्योग्राफी के लिए मैंने माजिद हुसैन को पढ़ा था और सविंदर सिंह को पढ़ा था, और वही पॉलिटी का तो सबसे स्टैंडर्ड बुक वही है, लक्ष्मीकांत है, तो वो मतलब एनसीईआरटी के अलावा ये सब आपको मेनली प्लस टू तक का एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ के और इसके बाद ये सब आप कर गए, और इसके अलावा प्रत्युत्तर दर्पण और दृष्टि की मैगजीन काफ़ी अच्छी रहती है, क्रॉनिकल्स की भी अच्छी मैगजीन आती है, तो ये सब मैगजीन को उसके साथ मिला के पढ़ते हैं तो बहुत इफेक्टिव होगा, बेनिफिशियल होगा। सर आंसर राइटिंग पर सर कैसे स्टूडेंट काम करे, इस पर क्या करना? आंसर राइटिंग पर तो बताया मैंने कि अब एक इस आंसर राइटिंग का एक फॉर्मेट होता है कि पहले हल्का सा उसका इंट्रोडक्शन, उसका बॉडी पार्ट, और लास्ट में कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है, तो इसको तो आपको ध्यान रखना ही है, साथ ही साथ में उसमें क्वेश्चन के हिसाब से उसमें फ्लो चार्ट, डायग्राम और या उसमें जो डेटा वगैरह आप जोड़ सकते हैं तो आप उसमें जोड़ते हैं तो आपका आंसर इफेक्टिव दिखता है, तो ये सब काम करना चाहिए। ओके सर, जैसे कि डेटा वगैरह सर अपन नाम लिया, सर डेटा सर प्रीलिम्स में बहुत पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है सर, वो याद नहीं होता तो स्टूडेंट किस तरीके से याद करेगा सर, कुछ टिप्स देना चाहूँगे? जैसे कि अगर आप कुछ बताना तो नहीं होता है कि मतलब कैसे करें, क्योंकि ये करते करते आने वाला चीज़ है ना, जितनी अच्छी से आप तैयारी करते हैं, जितने अधिक देर तक आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में धीरे धीरे आना पड़ेगा, क्वेश्चन ट्रेंड्स का मुआयना करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि कोई कैसा डेटा को हमको याद रखना है और कैसे को छोड़ना है, ये भी ध्यान रखना है कि क्या पढ़ना है, किसको स्किप करना है, तो इसका तो समय के साथ आपको मतलब छांटना करना आ जाएगा है ना, तो डेटा सारे याद नहीं रखना है, आपको खुद समझ में आ जाएगा तैयारी करते करते, क्वेश्चन का पैटर्न देखते थे कि कैसा डेटा इसमें जोड़ सकते हैं, हालांकि इसके लिए टेस्ट वगैरह दे सकते हैं आप, जो टेस्ट वगैरह होता है उसको दे के समझ सकते हैं। सर लास्ट मैसेज स्टूडेंट के लिए आपका? लास्ट मैसेज तो यही है कि अब बीपीएससी है, रेगुलरली एग्ज़ाम ले रही हैं और इसका फोकस थोड़ा सा यूपीएससी ट्रेंड्स की तरफ भी बढ़ रहा है, और जब हर साल एग्ज़ाम ले रही हैं तो आप तो तैयारी में हमेशा लगे रहिए ना, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम बहुत नज़दीक जाके उसको छोड़ देते हैं, तो वो अब वैसा नहीं है कि 5-5 साल पे आ गया आपका एज बीत जाएगा, एक गया तो दूसरा आया, तो ऐसे आगे की तैयारी करते रहना नहीं है, पीछे को आज अगर नहीं भी सिलेक्शन हुआ तो उसको उस बात को बोल के आगे, क्योंकि हर साल तो वहीं रहे, तो हिम्मत नहीं हारना, करते रहना है, हो ही जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच, इस बार सर्विस करता हूँ कि सर आपके ड्रीम पोस्ट बीएस में आपका सिलेक्शन हो और सर आपके साथ एक बार फिर से मिल सके, आपका इंटरव्यू कर सकते हैं सर, इस बार सर्विस करता हूँ, थैंक यू सर।